भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ी स्मृति ईरानी ने हार स्वीकार कर ली है। चुनाव हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो आगे भी अमेठी के लोगों की सेवा करती रहेंगी। वहीं भावुक अंदाज में स्मृति ईरानी ने कहा कि जीवन ऐसा है, एक दशक से भी ज्यादा समय तक मैंने एक गाँव से दूसरे गाँव जाकर लोगों की सेवा की। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर स्मृति ईरानी ने हारने के बाद क्या कुछ इमोशनल पोस्ट शेयर किया और इस पर लोगों की क्या कुछ राय है। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, सच इज लाइफ, अ डिकेड ऑफ माई लाइफ गोइंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, बिल्डिंग लाइव्स, नर्चरिंग होप एंड एस्पिरेशंस, वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, नाली, खंडांजा, बाईपास, मेडिकल कॉलेज एंड मोर। स्मृति ईरानी ने कहा कि हार और जीत में मेरे साथ खड़े रहने वालों का मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आज जश्न मनाने वालों को बधाई, और जो लोग पूछ रहे हैं कैसा जोश है, मैं कहती हूँ जोश अभी भी हाई है सर। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन अब जैसे ही स्मृति ईरानी ने ये इमोशनल पोस्ट शेयर किया, लोगों की कमेंट्स की भी बाढ़ आ गई। मोहम्मद जुबैर नाम के यूज़र ने लिखा, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन थ्रेटनिंग लोकल रिपोर्टर्स एंड स्ट्रिंगर्स। वहीं एक और यूज़र का कहना था, योर ईगो एंड एरोगेंस कॉस्ट द इलेक्शंस एंड द ऑब्सेशन विद गांधी फैमिली वेल डिजर्व्ड मैडम। एक यूज़र का ये कहना था, यू नेवर वर्कड फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, योर ओनली जॉब वॉज टू ट्रोल राहुल गांधी, यू फेल्ड इन बोथ। वहीं आपको बता दें कि अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस के टिकट पर किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव लड़ा था। किशोरी लाल शर्मा 1,00,000 मतों से चुनाव जीत गए। वहीं स्मृति ईरानी ने 2019 में इसी सीट पर राहुल गांधी को हराया था। केएल शर्मा का पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा है, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।